कोई जन को ताने कोई जान जागे बाई कोई जान जागे हरे बंदा कोई को करे रे कमाए जेरे सब जोग सुता मेरो फाल जागे खोदा वंद जागे सैयदा बोलिया फाजल शासवाई जे रे हम पर दे से बाए दो राथिया या बाए दो राजचना अल्लाह के आदे जानो मौला के आदे जानो के आहो से धीरे केड़ी तेरे साहेब मारो ले खाले से खालक घोना फलान हाजिर माँ निजातुल मोमिनीन वल मोमिनात रूहानी माँ बाप सरकार नूर मौला ने शहर करें मुलोसिनी हाजिर माँ के पाक और मुबारक नाम पर इश्कर मोहब्बत से सलवात करो दिनदारो तकरीबन दरेक मजहबी किताब के अंदर हर धार्मिक पुस्तक के अंदर इसमें भी खसूसन जो हमारे इस्लाम के जो मजहबी किताबें हैं कुरान पाक हदीस वगैरह का उस सब मजहबी पुस्तकों के अंदर हम जो इंसान है उन इंसानों को अलग अलग टाइटल से नवाजने में आया है अलग अलग लकब से हमको याद करने में आया है जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर एक हमारा लकब देने में आया है टाइटल देने में आया है इंसानों को हम मनुष्यों को कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड अशरफ यानी हाईएस्ट और मखलूक यानी वर्ल्ड कि इंसान हमको ये नाम से भी बुलाने में आता है कि अशरफुल मखलूकात कि हमारा जो दर्जा है वो इस दुनिया के अंदर खुदावंद ताला ने जितनी भी चीजें पैदा की है चरिंदे परिंदे ये एनिमल्स वनस्पति चीज प्लांट्स वगैरह उन तमाम के अंदर इंसानों को खुदा ने कहा कि वो अशरफ है वो आला है वो ऊंचा है ऐसे एक और लकब हमें देने में आया है हम इंसानों को हैवान आकिल हैवान कहते हैं एनिमल को जानवर को और आकिल याने अकलमंद के अकल राखवा वालों जानवर जानवर हम भी हैं लेकिन थोड़े मॉडर्न हम जानवर हैं एनिमल हैं वो जानवर सोच नहीं सकता है हम लोग सोच सकते हैं तो हमको कहने में आया हमको लकब टाइटल देने में आया कि भाई इंसान वो हैवान आकिल है कि अकल राखवा वालों एक हैवान छे ऐसे एक तीसरा टाइटल हमें देने में आया है और उस टाइटल का उस लकब का नाम है के अकले झूठ अकले झूठ झूठ कहते हैं लिमिटेड फुल और अकल कहते हैं ज्ञान नॉलेज के इंसान बहुत थोड़ी अकल वाला है बहुत थोड़े नॉलेज वाला है हमको अकले झूठ का भी एक लकब है कि इंसान अकले झूठ है लगता है कि हम थोड़ी अकल वाले होंगे बंदर आज दुनिया के ऊपर नजर दौड़ा कि ये थोड़ी अकल वाले इंसान ने दुनिया में कितना प्रोग्रेस किया है और कितना साइंस के अंदर आगे दौड़ता ही जा रहा है
आज अमेरिका, कनाडा और जो एडवांस कंट्रीज है उसमें जाओ तो अकल काम नहीं करती, कर शुरू है। और उसी के लिए शाह करीम आजम इमाम ने थोड़ा इशारा किया था ने कि कदाच इंसान जो है वो अपने आप को वो क्रिएटर समझने न लग जाए कि मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तुम क्रिएट करने वाले नहीं हो, तुम तो सर्जन हो, खुदा का सर्जन तो वो है। तो कितना इंसान की जो अकल है वो दौड़ रही है, फिर भी हमको कहने में आया कि लिमिटेड नॉलेज वाले इंसान, तो कहा अकले जुज। तो ऐसा क्यों कहा? तो सुनो, हमारे अंदर हर किस्म का नॉलेज दिया है, जो मैंने आपको बताया कि हम बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, हर किस्म का, हर किस्म का। लेकिन एक नॉलेज, एक ज्ञान हम इंसानों को बहुत लिमिटेड देने में आया है, बहुत थोड़ा देने में आया है। इसके लिए हमको कहने में आया कि अकले झूठ। तो कौन सा ज्ञान हमको थोड़ा देने में आया? सूरे बनी इसराइल चैप्टर का नाम देता हूँ, कुरान की सूरत, कुरान का चैप्टर सूरे बनी इसराइल और आयत 85 आयत। देखो इसमें जवाब आता है कि हमको कौन सा नॉलेज थोड़ा देने में आया है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मोहम्मद कही दे ए लोगों ने, कह दे इन लोगों को, ऐ मोहम्मद कही दे ए लोगों ने, जे लोगो तने आत्मा ना रूह ना बारा मा क्वेश्चन करे थे, सवाल करे थे। हजरत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो, इनको सवाल पूछने में आया कि यार सुने खुदा आत्मा क्यों छे, रूह क्या है? तो रसूलुल्लाह तो सोचने पड़ गए, भाई कोई मटेरियल चीज के बारे में पूछे तो बतावे ना, कोई किताब के बारे में पूछे कि भाई बाइबल क्या है, तो देखो ये बाइबल है, कोई सिटी के बारे में पूछे, कोई ट्री के बारे में पूछे, तो मटेरियल चीज के। अब ये तो एक ऐसी चीज के बारे में सवाल पूछने में आया कि जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ही, देखा आत्मा क्या है यार रसूल खुदा, तो थोड़ा सोच में पड़ गए। तो फौरन अल्लाह ने ये आयत नाजिल की सूरह बनी इसराइल की 85 में कि कही दे ए मोहम्मद, जे लोग तने आत्मा ना माटे सवाल करे छे, इन्हें कही दे कि आत्मा मारा अल्लाह नो हुक्म छे, रूह मेरे खुदा का अम्र है, अने ए पर कही दे कि आत्मा माटे तमो इंसानों ने बहु लिमिटेड नॉलेज आपवा मांगी छे, रूह माटे तमने बहु थोड़ू ज्ञान आपवा मांगी छे, रूह के लिए हमको बहुत थोड़ा नॉलेज देने में आया है, बाकी दुनिया का बहुत नॉलेज हमारे पास है, लेकिन ये आत्मा की जो बात है ना, रूह और सोल की बात है ना जिंदारों, वो हम इंसानों को बहुत लिमिटेड देने में आया है। हमको कितना ज्ञान है आत्मा का, कितना ज्ञान है? हम पूछेंगे भाई पहलोता चलोता की, तो बोले पानी में रूह है ना, तो पहलोता चलोता, तो बस खाओता पियोता सुनोता सुनोता, बराबर ने? मैंने पिछली वाइज में थोड़ी दलील दी है, कान को काट के रेडियो के पास रख दो, ये सुनेगा, तुम दूसरे रूम में चले जाओ, नहीं ये नाक को काट के परफ्यूम की बोतल पे रख दो, तुम चले जाओ दूसरे कमरे में, तो कचेरा नाक उस बेल नहीं सुनेगा, राइट? डेड बॉडी हो गए उसको तुम मारो, वो कुछ बोलेंगे तुमको नहीं, पड़ी है। मगर कभी रस्ते में रश के अंदर किसी को धक्का लग जावे तो बाई चढ़ावे धक्को मारे तो, राइट? तो ये क्या था जिसको लगता है, ये क्या है जो स्मेल करता था, ये क्या है जो सुनता है, ये क्या है जो देखता है? तो हम कहेंगे कि रूह है ना, फिर आदमी मर जाता है, मर जाता है तो भाई मरियो मरियो कुरो मर बोले रूह लियो, तो रूह लियो किरा भी बोले खबर है रूहानी दुनिया मर नहीं, बस इससे आगे हमको कुछ ज्ञान है आत्मा का नहीं ना, लिमिटेड नॉलेज है। इसके लिए हर समय के अंदर, हर दौर के अंदर अल्लाह ने अकले झूठ के सामने, थोड़ी अकल वाले के सामने हर समय में अपना एक मजहर रखा है, अपना एक स्वरूप रखा है, तो जिसको नाम देने में आया है अकले कुल, थोड़ी अकल वालों अकले झूठ, और उसके सामने अकले कुल, कुल मीन्स टोटली, और अकल मीन्स आपको कहा कि नॉलेज, टोटली नॉलेज जिसके अंदर होवे वो अकले कुल, सर्व प्रकार नु ज्ञान जेनी अंदर होए वो अकले कुल। तो वो अकले कुल जब से अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ना, तो उसके साथ साथ में उसको भी रखा है, अपने उस मजहर को भी रखा है,
ताकि वो अकले कुल जो है, जो बाबत का ज्ञान कम देने में आया है या जो बाबत इंसान नहीं जानता है, वो अकले कुल इसको बता सकता है, अकले कुल। और हम दुआ के अंदर तीन टाइम पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम व कुल, कुल आया कुल शैन और सैना हो फी इमाम मुबीन, हर प्रकार नो ज्ञान, हर प्रकार नो समावेश, चीज नो समावेश जाहिर इमाम अंदर करवाना आदि है। मौलाना शाह सरकार सुल्तान शाह मुबारक नाम के ऊपर सलात। देखो हमको रूह के बारे में बहुत कम नॉलेज, इसके लिए हमेशा मैं ये कोशिश करता हूँ, मेरे को कोई बहुत ऊंची बात पूछे ना रूहानी दुनिया की के, तो मैं बोल भाई इंडो नॉलेज नीचे ना है। हाँ, जितना मैं जानता हूँ फरमान की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, हाजिर इमाम के साथ ऐसे कोई इंसिडेंस बन गए हुए उसकी रोशनी में, तो मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मगर जब तक वो फरमान जिनान कुरान हदीस और ये सबको छोड़ के अगर आत्मा के बारे में कोई अपनी असल से समझाने की कोशिश करता है ना, तो कंफ्यूजन पैदा होते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा होते हैं। फरमान का रीडिंग रखो, कोई अलवाइस को मत पूछो रूहानियत के बारे में, आप ढूंढो फरमान के अंदर, आप ढूंढो आपको जिनान के अंदर मिलेगा, सुल्तान मुशा के फरमान के अंदर मिलेगा, आपको कुरान के अंदर जवाब बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन इंसान जो अल्लाह ने फरमाया कि बहु लिमिटेड नॉलेज आपको मालूम है, तो वो अपने अपने तरीके से, कोई बोलेगा हाँ रीबर्थ आए नहीं, कोई बोलेगा रीबर्थ ना आए नहीं, री इनकार्नेशन आए नहीं ना आए नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपनी अकल से बोलता है, वो फरमान की रोशनी में नहीं कहता है, वो कुरान की रोशनी में नहीं कहता है। तो मौलाना सरकार सुल्तान मुशा मुबारक नाम के प्रसाद आपको मैंने एक फरमान नोट किया यहाँ पर अभी। मौलाना सरकार सुल्तान मुशा एक मेहमानी के अंदर, रूहानी की मेहमानी है, और रूहानी के मेहमानी के अंदर मौलाना सुल्तान उषा फरमाते हैं, मुंबई तारीख 26 दिसंबर 1883। देखो मौलाना सुल्तान उषा, ए भाई मारी हजूर मा छे, ओ भाई की रूहानी की मेहमानी रखे नहीं, ए भाई मारी हजूर मा छे, अने तमे खातरी थी मानजो के आ भाई पोते मने मेहमानी करी रही छे। रूहानी की मेहमानी रखी ओ भाई के कुटुंब वाले ने, फेमिली वाले ने, तो मौला कहता है ए भाई मारी हुजूर मा छे, अने ए भाई पोते मने मेहमानी करी रही छे, अने ए पोते अही हाजर पण छे, गड़ा गड़ा दुआशी खाना बदान चलवा पूरा मौला के नाम के ऊपर। तो ये किसने बताया, ये कौन देख सकता था कि भाई वो भाई जिसकी रूहानी की मेहमानी रखने में आई है, मौला कहता है वो खुद मेहमानी कर रही है, वो इस मेहमानी के अंदर हाजिर है, वो ये मेहमानी देख रही है। क्यों? पैगंबर और इमामों को ये शक्ति और ताकत है, वो यहाँ रह के भी उस रूहानी दुनिया को और रूहों को देख सकते हैं। हाँ, इंसान इंसान को भी वो अपने आप को स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करे तो वो भी देख सकता है, लेकिन फिर उसको हुक्म करने में आया है कि तेरी जबान बंद कर दे। तो कहा ना कि घूंगे सपना पाया अने समझ समझ पछताए, तो हर अकले जीव के सामने अकले कुल है जो हमको ये रूहानियत की बातें बताता है, जो हमको रूहानी दुनिया की बातें बताता है। मैंने डॉक्टर वालजी की कैसे सुनी, उसमें एक बनाव उन्होंने सुनाया कि हमारे इंडिया के मरहूम प्रेसिडेंट वजीर मकलाई, वो मेहमानी के अंदर सुल्तान मुशा आने को देर थी, तो भाई कहती है कि वजीर साहब इमाम आवे ने तो मने तो आम घबराट थे बोलवा, तमे इमाम ने पूछो ने मारो धनी छे ने खोवाई गयो छे, बहु वर्षो छे अमरतो नथी। मकले पूछते इमाम सुल्तान मुशा खुदाबिन ये भाई की अरज है, इसका खाबिन बहुत वर्षो से नहीं मिलता है। माँ बोला सब तलाश किया, बोले हाँ खुदाबिन, भाई बोलते सब तलाश किया, पेपर वगैरह में दिया। सुल्तान मुशा ने आंख बंद किया, आंख बंद करके फिर ऐसा देखते इधर देखते उधर देखते, और फिर वहां आप कहते मकले ये भाई को बोलो कि इसका जो खाबिन है ने वो दुनिया में हयात नहीं है, वो रूहानी दुनिया में चले गए, वो वहां चले गया है। नहीं बता, विषय बता सकते हैं तुम? मौला कहता है वो रूहानी दुनिया के अंदर चले गया है। ए ए मोहम्मद कही दे के आत्मा छे ए अल्लाह नो अम्र छे, अने तमो इंसानो ने बहु ओछो नॉलेज आपवामां आव्यो छे। मौलाना शाह करीम लोसेनी हाजर इमाम मुबारक नाम के ऊपर सलात करो। 1966 के अंदर हाजिर इमाम ईस्ट अफ्रीका की टूर के ऊपर थे धार्मिक कामकाज के लिए,
66 में मौलाना हाजिर इमाम ने कुछ लिमिटेड अलवाइजों को ऑडियंस दिया। पहले साथ में ऑडियंस दिया, फिर इंडिविजुअली भी थोड़ा टाइम दिया, सबको 10-10 मिनट दी। उसमें के एक अलवाइज उसने मुझे कहा कि मिशनरी 1966 और किसोमु के अंदर मौलाना हाजिर इमाम ने अलवाइजों को ऑडियंस दिया। अलवाइज कहते हैं कि मिशनरी मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसा परेशान करते थे, जमात में से भी मेरे को बहुत पूछने में आता था। तो मैंने मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम को जब इंडिविजुअल मुलाकात दी ने, तो मैंने मौलाना हाजिर इमाम को पूछा कि खुदाबिन एक सवाल बहुत पूछने में आता है जमात में से। मौलाना ने कहा कौन सा सवाल? तो अलवाइज कहते हैं खुदाबिन पूछते हैं कि मौत के बाद आत्मा कहां जाता है, मरण के बाद आत्मा कहां जाता है। और हाजिर इमाम ये भी पूछते हैं कि ये हम सब उसके पीछे सब कराते हैं, ये सब चीजें रखना, सभी रूहानी की दुआएं कराना, रूहानी की तस्बीहा निकालना, तो ये बराबर है, ये पहुंचता है नहीं पहुंचता है। तो उसने कहा खुदाबिन हम थोड़ा हमारी अकल से और जो भी हमारे पास वसील है उससे हम उनको जवाब देते हैं, लेकिन फिर भी खुदाबिन आप भी कुछ गाइडेंस दो। तो मौलाना शाह करीम हाजिर इमाम ने कहा कि सवाल तो तूने ऐसा पूछा है कि बहुत टाइम निकले जवाब देने में, लेकिन मैं तेरे को शॉर्ट में खुलासा करता हूँ। और मौलाना हाजिर इमाम ने फरमाया कि देख अलवाइज मौत के बाद, सुनना ये सब चीजें, मौत के बाद रूह अपनी करनी के मुताबिक 3 स्टेज के अंदर 3 दर्जे में चले जाता है। रूह अपनी करनी के मुताबिक 3 दर्जे के अंदर चले जाता है। मैंने गिनान का पास दिया, इसी कोई जन सोता, कोई जन जागे, अने कोई कोई करे कमाई। गिनान में पहले सुतेरे लोग को लिया, फिर जागे ने, फिर टॉप लेवल को तीसरी लाइन में लिया है कि कोई कोई करे कमाई। ये सुन हाजरी माँ मिशनरी, एक आत्मा एक रूह ये होता है जो इस वर्ल्ड में इस दुनिया में रह के अच्छे काम करता है, नेकी करता है, करैक्टर का अच्छा होता है, अमल का अच्छा होता है, बाकायदगी से इबादत करता है, धर्म के अंदर बराबर रहता है, दान सखावत करता है। अभी मैं फिर एक्सप्लेन करते हैं मिशनरी, ऐसा जब शख्स मर जाता है तो लिसन अलवाइज मौला कहता है उसका रूह किधर नहीं जाता है, माफ कहता है, जैसा उसका रूह इस बॉडी में से निकला, इस शरीर में से निकला, तो हाजिर इमाम ने इंग्लिश में कहा कि वो यूनिवर्सल सॉल के अंदर चले जाता है। और फिर मौला फरमाते हैं इन अवर जमाती लैंग्वेज वी आर सेइंग असल में वासल हो जाना। हाजिर इमाम कहते अपनी जमात की भाषा में हम इसको कहते हैं कि असल के अंदर वासल हो जाना। मिशनरी ऐसे लोगों के लिए न रूहानी मजलिस की जरूरत है, ना कोई चीज रखने की जरूरत है, कोई चीज की जरूरत नहीं। सॉल्वाइज मेरे को कहता है कहा तो मुझे ये, यानी मुझे चेहरे जब मत एकदम एक्सप्रेशन आ गया कि हाजिर इमाम हंसे, हाजिर इमाम फरमाते तेरे को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं? कहते ये खुदा भी। बोला कहता है मुझे पता है तेरे को क्या प्रॉब्लम हुआ। बोला कहता है कि वी डोंट नो। हाजिर इमाम कहते हैं, यानी इमाम खुद के लिए नहीं कहता, जमात को एड्रेस करते कि हमको तो नहीं मालूम है कि हमारी फैमिली में से जो चले गए हैं वो असल में वासल हुआ है कि नहीं। हाजिर इमाम कहते हैं तो हम तो कराते रहते हैं। तो शाह करीम फरमाते हैं कि देख अलवाइज अगर ऐसी रूह असल में वासल हो जाती है और फिर भी उसके पीछे उसके फैमिली वाले अपनी शक्ति के मुताबिक कराते हैं तो वो बेकार नहीं जाता है। हाजिर इमाम वो व्यस्त ही जाता है, लेकिन 100% 100% जो सवाब है वो कुटुंब वाले को जाता है। 100% सवाब उसको, क्योंकि उसको तो जरूरत नहीं। मैंने लास्ट टाइम दलील दिया था ना कि भाई मुझे छोकरो मुके हलाए अमेरिका से पैसा हलाए तो ड्राफ्ट हलाए तो, पर हाँ वो पैसे वाला है मुके जरूर नहीं तो ड्राफ्ट रिटर्न करा तो बता। अच्छा कि भाई तुझी तुझी बैंक बैलेंस में वधारो कर तो ड्राफ्ट सब रिटर्न होते हैं वापस मेरी कैपिटल के अंदर। तो मौला ने कहा बेकार नहीं जाता है। और फिर शायद करते ये कौन सी आए, कोई कोई करे कमाए। मौला फरमाता है लेकिन अलवाइज दूसरी प्रकार के आत्मा वो होते हैं जिसने इस दुनिया के अंदर बंदगी करा नहीं करा, बंदगी करा नहीं करा। मौला कहता है दुआ पढ़ा नहीं पढ़ा, जमात खाने आया नहीं आया,
लेकिन फिर भी उसके कुछ अच्छे आमाल होते हैं, क्या करेंगे, कुछ अच्छे काम होते हैं। तो मिशनरी वो असल में वास्तव नहीं होता है, बन गया अधूरी है वो असल में वास्तव नहीं होता है मिशनरी, लेकिन हर इमाम फरमाते हैं दे आर इन वेटिंग लिस्ट। क्या करें, इंग्लिश में कहा, वो लोग वेटिंग लिस्ट में है, वो लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। मौला कहता है वो लोग रूहानी दुनिया के अंदर रहते हैं, और रूहानी दुनिया के अंदर मौला ने फरमाया वहाँ भी उनको इनकी करनी के मुताबिक, इनकी करनी के मुताबिक उनको दर्जा झजा देने में आते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, रूहानी दुनिया के अंदर मौलाना सरकार सुल्तान मुशा के कुछ फरमान मैंने अभी दोपहर को बैठे बैठे निकाले फरमान की किताब में से। फरमान की किताब पढ़ी रूहानी राज, ये अभी लास्ट पब्लिकेशन है 84 का इंडिया एसोसिएशन का। अगर होवे आपके पास, नहीं होवे तो मंगा लेना, इंडिया के अंदर है ये, और इसको बार बार पढ़ना इस बुक को। इतने खुलासे दिए हैं सुल्तान मुशा ने, मौला ने फरमाया पोतानो रू असल मकाने पहुंचे तो सारू, एवू ना बने के रू अहियाज रही जाए अने ढोर माफक खाए तथा पीवे तथा सूवे। इसको मैं लेता हूं ये फरमान को, अभी सुनो। जे शख्स की जिंदगी पूरी थवा सुधी तेना दरे ख्याल पाक होए, जेनु दिल पाक होए, अने जेनो रू रात दिवस खुदा ताला साथे मिलाप करतो होए, तेवा लोको पोताना हिम्मत थी घणे ऊंचे दरजे पहुंची सके छे। फर्स्ट क्या आया, जो पाक होए, जेना ख्याल पाक होए, जेनो दिल पाक होए, जेनो रू रात दिवस खुदावन ताला साथे मिलाप करतो होए, ये पोतानी हिम्मत थी ऊंचे दरजे पहुंची सके छे। फिर एक फरमान मैंने निकाला, मौला फरमाता है कि तमे सगड़ा ईमानदार मोमन छो, तेथी अमने साचा मुर्शिद करीने समझजो, तेथी तमे आ दुनिया मा गुना थी पाक हशो। हकीकती मोमन गुना थी पाक होय छे, अने आत्मत्मा पण सुखी आबाद होय छे, अने पोतानी करेली करणीना फळ ए आखरतमा पण मळे छे। पोतानी करेली करणी ना फल ये आखरत में पण लिए छे। मौला कहता है उसकी करणी के मुताबिक उसको वहां भी जगह मिलती है। और फिर शाह करीम फरमाते हैं अलवाइस तुझे पता है वहां फिर क्या होता है, नहीं खुदावे सुन, जो लोग असल में वासिल नहीं हुए हैं, जो लोग रूहानी दुनिया के अंदर है, कुरान में उसको वर्ड क्या देने में आया, बरजख। बरजख यानी ऐसी जगह जहां रूहों को रखने में आता है। मौला ने फरमाया तो ऐसी रूहों के लिए अलवाए आप लोग मजलिस कराते हो, आदमान कहते हैं जमात खाने में मजलिस कराते हो, उसके पीछे सब चीजें रखते हो, उसके पीछे तस्बीहां निकालते हो। तो मौला ने फरमाया वो चीज उसको इतनी हेल्प करती है मौला फरमाया कि वो उसको पुशअप करती है, उसको आगे बढ़ाती है। और फिर शाह करीम कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम जब उसका दूसरा पलड़ा बराबर हो जाता है तब वो असल के अंदर वासल होता है, और वहां वो अपनी बंदी पूरी करता है। कितनी जरूरत है बंदी के अंदर, कितनी जरूरत है। मौलाना शाह करीम हुसैन आदर इमाम मुबारक नाम के पर सलावत करो, आई प्रे दैट दोज हु प्रैक्टिस बंदगी गेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर लाइफ हियर आफ्टर। If you practice Ismi Azam, you will be prepared for life hereafter. Those who forget this basic fact, they are committing a very great mistake. फिर मौला फरमाते हैं I emphasize that you must spend some time to prepare for life hereafter. खाना बदान सलवात पूरा मोहरा की। अब ये फरमान क्या आगे रहता है, कुछ खुलासा बाकी कि बंदगी जरूर आए के ना। ये फरमान शाह करीम का, ये फरमान कि तुमको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में से, किसके लिए, तुम्हारी उस रूहानी दुनिया जो तुमको सुधारनी है ना, मौला कहता है। और हाजिर इमाम फरमाता है जो लोग ये भूल जाते हैं वो बहुत बड़े में बड़ी गलती करते हैं, बड़े में बड़ी मिस्टेक करते हैं। मौला ने फरमाया तुम बड़ी मिस्टेक कर, बहुत बड़ी मिस्टेक कर। तो
दूसरी एक दुनिया है, रूहानी दुनिया है। मौला ने फरमाया कि वहाँ उसको मिलता है, लेकिन टॉप लेवल का हम लोग उम्मीद न रखे भाई। चले रूहानी दुनिया में चेंज है इंग्लिश के अंदर, पर हिदा चांस है, अभी चांस है। तो मौला ने फरमाया कि सीधा ये बॉडी में से निकला और मौला ने कहा कि चले गया, अल्लाह के नूर में वासिल हो गया यूनिवर्सल सॉल के अंदर। लास्ट अक्टूबर में न्यूयॉर्क में एक डाइव गुजर गई। मैं तो ऐसे बहुत एग्जांपल देता हूँ ना, जमा भी करता हूँ। उनका लड़का पुणे में था जब भाई मर गए, फातिमा भाई उसका नाम, फातिमा भाई वीरानी। उसके लड़के ने मेरे को बात किया, बात क्यों किया पता है कि मिश्री से बहुत सरप्राइज थे, तो के हिंदी रीते भी मरी भी नहीं मारू। मेरे बोलते है विशाल रोता भी था, बोले हिंदू एटले तो बुझी माफी और मजाक करिए थोड़ी। माँ फोन करती है वहां से बिफोर 10 डेज लड़के को पुणे के अंदर, पुणे में इसकी लड़की है, वो भाई बहन के पास आया था मिलने को। माँ फोन करती है, बेटा आने अच्छी मिलने जल्दी। तो पुआ है, माँ जरा रोन देना, बहुत बरस पीछे आ गए। बेटा तू अच्छी भी तुझे बच्चे लोग के संभालते आने वधारे टाइम नहीं मुझे, बहुत जल्दी हल्दी भी नहीं मर रही। तो बोले आओ हंसो फोन के अंदर, मम्मी अभी तुम्हें छोकरे ब्याह करना है, करो तुम हिंदी बात करे थे, अरे मजाक ना कर। बिचारी बोलते ना ना सच्चे चाहते, तू जितना बने इतना जल्दी है। और मेरे को बोलता है कि 8 दिन के बाद आपको एक दो 2 कलाक के पहले फोन आया, वहां का शाम का टाइम था अमेरिका का 7 बजे का। उस दिन जमात खाने नहीं गए, सब लड़कियों को फोन करे इंडिया के अंदर, एक लड़की गोंडल के अंदर, एक पुणे के अंदर, लड़के को फोन करे, सब लड़की के पास माफी मांगती है तो मेरे को माफ करना, अपन मिल नहीं सके, कुछ भूल चूक हो गए होवे वगैरह। लड़के के पास माफी मांगती है, ये पुणे के अंदर लड़का है, उसके पास माफी मांगती है कि बेटा भूल चूक माफ करी, तुझे हैरान करी बात की भी हो बद्दो मुके, तू क्यों फोन देना चाहते, मम्मी माफ करा तो बद्दो। अरे वो बोले आओ मजाक करा तो मम्मी ने। और फिर वहां क्या होता है, वहां बड़े लड़के को कहती है मुके थोड़ी दसौन भरण दिया, मुझे पैसा दे, फौरन फिगर दिया बहुत बड़ा मेरे को डॉलर दिए। ऐसे बहू को कहती है कॉफी बना दे, तो बहू कॉफी बना के लाए, कॉफी बना के लाए ना, तो बोलती है ना हने हने नहीं पी रहे। अरे मम्मी तू लाए ना हने दसौन चढ़ी देंगे टाइम छे। और बोले न्याज दो न्याज में सोई लगे भी नहीं, अपने हाथ से बस वो पाँव लंबे कर या चादर यहाँ तक चढ़ाई, बस सस भी आती सोचते है निकल गए। 2 घंटे के बाद वो पुणे में लड़के को बड़ा भाई फोन करता है कि मम्मी हमें निकल गया, भूल गया। वो शॉक हो गया एकदम, खुद बात कर रहे थे, बोले भगवान मम्मी पत्र कलक कर दिख गया। तो बोलते ऐसी भी बात हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है अंदर मोहन मस्तान सीज हो ऐसे आ शरीर माथी छुट्टियो ने आ खेत खाना माथी मोला कहता है। तो सीज हो खुदा ना मोह में अंदर वासी थे, कोई जन सूता कोई जन झागे अने कोई कोई करे कमाई, कमाई वो हाई लेवल की, कोई कोई करे कमाई, बाकी जागे लोग हैं हाँ करने खपे बंदी तो बाकी बंदी को नहीं खपे। फिर वरी थोड़ा दिन आवे वरी सुस्ती चढ़ी आवे कंटाल हो चुके सुबह नमस्कार न खाली वरी कोई अलवाइस जावे बंदी कोई नहीं खपे ये जागे ले पर एक्शन में नहीं अमल में नहीं करनी खपे जागृति है पर एक्शन नहीं अमल नहीं अने कोई जो सोता बोला कहते शाह करीम कहते मिश्री पता है थर्ड टाइप ऑफ सोल हादे मा तीसरा प्रकार का आत्मा मिश्री पता है कैसा है वो मेरे को अलवाइस जी का बबुल सारू एवं न बने के रू अहिया ज रही जाए અને ઢોર માફક ખાય પીવે થતા સુએ ઢોર માફક હૈવાન કી જિંદગી આયા આયા કબીર બરસ મેં એકાદ ટાઈમ જમાત ખાને કા રોંગ માર લિયા મગર ઉસમે ભી નીતિ કૈસી એ જરા બડે બડે લોગ સબ બિઝનેસ કી ગાલ બોલતી હૈ ને જરા ગાલી બોલતી હૈ મિલના નહીં ને બહુ બિઝી હૈ બધા મિલના રો એસી ટાઈપ છે બાકી ગુનાહો કે અંદર જિંદગી બસર કરતે હોય ગુનાહો કે અંદર મોલા ને કહા કભી ખુદા કો યાદ નહીં કરતે હૈ कभी अल्लाह को याद नहीं। इसमें मौला ने शाह करीम ने कहा मैंने कहा कि स्पेंड करो थोड़ा टाइम तो तुमको देना पड़ेगा इबादत के लिए वो रूहानी दुनिया की तैयारी के लिए वो रूहानी दुनिया की तैयारी। मौला ने कहा दे आर टेकिंग रिवर्स इन वन और अदर फॉर्म। तो मैंने आपको कहा अर्ज किया कि सिर्फ अपने कुल हमको बता सकता है कि रूहानी दुनिया के अंदर आत्मा कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, उसको रूहानी दुआ का कैसा असर होता है। बाकी इंसान
तो अल्लाह ने फरमाया कि एने अरे एने तो बहुत लिमिटेड नॉलेज आपवामां आव्युं छे, एने तो बहुत थोड़ू ज्ञान आपवामां आव्युं छे। ने कैनेडा के टूर के ऊपर था ना, एक भाई ने बहुत अच्छी दुआ पढ़ाई, यानी तलफुज उच्चार बहुत अच्छे थे। मैंने कहा मुखिया भी दुआ केर पड़े, तो कहा के सारो थी सोया पूछिया कि मारू साथ मिलो। तो बार आफ्टर सब जमात का काम का रिफ्रेशमेंट था तो मेरी मुलाकात कराए। नाम बोलता हूँ हिशाम, हिशाम उसका हिशाम, मिश्री साथ से मिलो जाली मोला ले, तुम्हारा सब बात बताओ अलवाइफ को। मेरे सब मेरे कहता है भाई कहता है मिश्री से मैं ओरिजिनल इस्माइली नहीं हूँ। बोले नहीं, तो कभी बने इस्माइली? बोले 9 साल हुआ, 9 बरस हुआ है इसमें से बनाए इस्माइली। तो कहा के सुन्नी फिरके में से, सुन्नी फिर सुन्नी सेक्ट में से। कौन सा सेक्ट? सुन्नी में चार बड़े हैं ना, हनफी हम्बली मालिकी शाफी। बोले मिश्री साहब मैं शाफी सेक्ट में से आता हूँ, शाफी फिरके में से। मैंने क्वेश्चन किया, इसकी बातें मैंने रिकॉर्ड की है। मैंने क्वेश्चन किया क्या क्या आपको इसमें लगा, क्यों आप दाखिल हुए इस्माइली धर्म के अंदर, ये फिरके में क्यों आए आप? तो कहता है लिसन, मेरे घर की एक भी एडिशन नहीं करता हूँ। कहता है मिश्री सर ये रंग है ना, ये रंग इस्माइली धर्म का सबको नहीं लगता है, सबको नहीं लगता है, जो नसीब वाला हो ना उसको लगे। और फिर कहता है अलवाए मेरे बाप दादो ने जरूर कोई अच्छी नेकी की होगी, इसके लिए मेरे को ये फिरका मिला, ये धर्म मिला। और कहता है अलवाए हम क्या थे, हम तो रस्ते की धूल जैसे भी नहीं थे हमारी कीमत, लेकिन मौला ने हमको कबूल कर जावे ने आंख में से आंसू निकल कर जाए कि मौला ने हमको कबूल कर लिया। मुझे कहता है काउंसिल हमको धक्का बहुत खिलाया इस्माइली बनाने को, मौला का हुक्म है, काउंसिल हमको धक्का बहुत खिलाया, बहुत सवाल किए। बोले एक टाइम मुझे प्रेसिडेंट साहब ने सवाल किया कि तुमको पता है आप जिसको जकात बोलते हो हम लोग उसको दसोन कहते हैं, हम लोग दसोन जो है वो हमारे हजरत इमाम को देते हैं। तो बोले मिश्री साहब मैंने प्रेसिडेंट साहब को जवाब दिया ये तो इस्माइली बनूंगा बाद में ना। बोले हाँ मगर ये भी तेरे को नॉलेज रखना चाहिए। तो बोले प्रेसिडेंट साहब मैं तो बहुत टाइम से दसोन निकालता हूँ, बहुत टाइम से। तो बोले वो जरा घबरा गए, बोले क्या बात करता है? बोले नहीं नहीं जमात खाने में नहीं डालता हूँ, मैं जमा करता हूँ मेरे घर में, क्योंकि अगर मैं दसोन नहीं निकालूंगा तो मेरी बेगम ने हम लोग खाना कैसे खाएंगे, उसकी वाइफ इस्माइली। तो बोले कि दसोन तो पहले से मेरी इनकम अलग है, मेरी वाइफ की अलग है, लेकिन हमारी दोनों की, उसकी दसोन वो जमात खाने में डाल देती है, मेरी दसोन घर में जमा होती है, और जब भी आप मेरे को बनाएंगे मैं सब दसोन डाल दूंगा जमात खाने के अंदर जाकर। और फिर कहता है अलवाइज मौला ने शाह करीम हुसैनी हाजरी इमाम की पदरा में हुई कैनेडा के अंदर, हाँ उसको बना लिए लंदन में, वो इस्माइली बना। बोले मेरे को पास किए, मेरी अर्जी कबूल किए, मेरे को लंदन जमात खाने के अंदर छाटा मिला, मेरी बैयत हुई। मैंने हाजरी इमाम को देखा नहीं था, हाँ मूवी में देखा था, फोटोज देखे थे पेपर वगैरह के अंदर, लेकिन ऐसा फिजिकली मैंने हाजरी इमाम को नहीं देखा था। 78 में बोले हाजरी इमाम आए यहाँ पर कैनेडा धार्मिक कामकाज के लिए। मुझे कहता है अलवाइज फर्स्ट दीदार, जाहिर दीदार, दीदार के बारे में मैंने आपको पहले दिन बताया। कहता है मिश्री पहला दीदार हाजरी इमाम का, और मैं इस्माइली बनने के बाद मैं पहली मर्तबा हाजरी इमाम को देखने वाला हूँ। मुझे कहता है मुसलमान तो मैं था ही पहले से, लेकिन इस्माइली मुसलमान बनना अरे ये बहुत बड़ा दर्जा है। बोले मुसलमान तो मैं था ही, लेकिन इस्माइली मुसलमान बनना बहुत बड़ा दर्जा है। कहता है कल दीदार है, शाम को धार्मिक कामकाज है, अगली रात को मेरी बेगम के साथ बात करता हूँ कि हाजरी इमाम को क्या प्रेजेंट दूं। फर्स्ट दीदार उसका चेहरा देखूंगा, कुछ मेरे को हाजरी इमाम को गिफ्ट देनी है, कुछ मेहमानी देनी है, मैं क्या दूं? तो बोले मेरी वाइफ बोलती है सोने की चेन है अपने पास, नवी है एकदम, वो देवे। तो मैंने कहा ना ना वो नहीं देनी। तो बोले रिंग देवे। बोले नहीं ये सब नहीं। तो बोले पेन का सेट देवे। तो मैंने कहा वो भी नहीं देना, ऐसा मटेरियल चीज मत याद कर, ये तो देने वाले बहुत हो गए हाजरी इमाम को। तो बोले बस मेरी वाइफ को भी ये याद करती है कि सूट का पीस देवे नहीं, ये देवे नहीं। मैंने कहा पापा ये। तो बोले थक गए बेचारे कि तुमको जो चाहिए हो दो, मैं तो थक गए। बोले मैं जाती। और बोले मेरे को रोज सुबह उठाने की प्रैक्टिस करा दी थी उसने, उसको चांस भी मिला एक बरस में बैतूल चाल का मुखी भी बना था वहां, मैं उठाने की प्रैक्टिस थी। अचानक मैं बस मौला के पास दुआ मांगता हूँ, खुदा भी क्या दूं तेरे को, मेरे को कुछ याद दिलाने। और अचानक मेरे को याद आया कि मैं क्या दूं हाजरी इमाम। तो मैंने वाइफ को बुलाया, बेगम जल्दी आ। बोले क्या है? बोले याद आ गया। बोले क्या? तो बोले सुन
इसी मोमेंट पे मैं हाजरी इमाम को मेहमानी देता हूँ। कौन सी मेहमानी? तो कहता है मैं हाजरी इमाम को मेहमानी देता हूँ कि या हाजरी इमाम, इस्माइली बनने के बाद मैं कल तेरा पहला जाहिरी दीदार करूंगा और मेरी मेहमानी कबूल कर कि आज 17 बरस से मैं सिगरेट पीता हूँ, ये सिगरेट की आदत मैं छोड़ देता हूँ। ये मेहमानी हाजरी इमाम। उसकी वाइफ तो उसको बोल बोल के थक गई थी, बहुत टाइम इतनी खुशी हुई, बोले मेरी वाइफ के आंसू में भी खुशी के आंसू आ गए। सुबह को जमात खाने गए, नियाज किए, मुफ्ती साहब के पास जाते रहे, कन्फेस किए और फर्स्ट टाइम सुबह को दीदार था। मैंने कहा कैसा लगा तू पहला मर्तबा देखा तो? बोल नहीं सका उसका ये भर के आया गला, बोल नहीं सका। बोले कान से लड़ाई बोल नहीं सकता हूँ कि क्या मेरे को फील हुआ, मैंने क्या देखा उसके अंदर, मैं तेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर बोले शाम को धार्मिक कामकाज है, हाजरी इमाम महादेव का छांटा डालने वाले थे तो मेरी वाइफ मेरे लिए कार्ड लेके आई थी, खुद तो छांटा डला दी थी, मेरे लिए कार्ड लेके आई। मैंने पूछा भाई काहे का, तो मेरे को एक्सप्लेन की के माध्यम का छांटा क्या काम आवे वगैरह। तो मिशनरी शाम को मैं छांटा डलाने गया, लाइन लगी हुई है उसके सामने, हाजरी इमाम पानी में हाथ डालते हैं, फरमान 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 छांटा डालते हैं और कुछ बोलते हैं कान के अंदर, सब लोग निकलते जाते हैं। मेरी बारी आई, मैं दो हाथ जोड़ के हाजरी इमाम के सामने खड़ा रहा, मैं आँख बंद किया कि अभी छांटा पड़ेगा, लेकिन छांटा नहीं पड़ा। हाजरी इमाम का आवाज आया हिंदी के अंदर, शाम आँख खोलो। मैंने आँख खोली, हाजरी इमाम कहते कम नियर नजदीक आओ। मैं नजदीक गया, अपना हाथ खंभे पे रखा, मुंह कान के पास लेके आए और मुझे कहते हैं शाम आज सुबह तूने मेरे को एक मेहमानी अर्पण की है ना, मैं तेरी वो मेहमानी कबूल करता हूँ। हाजरी इमाम शाम मैं तुम्हारी मेहमानी कबूल करता हूँ। बोले मैं तो ऐसा शौक हो गया, तो एकदम शेक होता था। बोला कहता है पेशेंस रख सभी रख, तू समझा मैं क्या बोला? बस तेरी मेहमानी में कबूल करता। फिर छाटा दिया, फरमान फरमान फरमान, बहुत दुआ से सब बिना माफ बोला। बट डोंट रिपीट इट सर, डोंट रिपीट इट, रिपीट नहीं करना है ताकत। वो 120 खाने वालों, सिगरेट पीने वालों, है ताकत ये मेहमानी देने की? हाँ है। छोड़ो 120 340 को, मैं आपको नंबर बताता हूँ, वो नशा लो बहुत हाई है। हाँ बताओ कौन सा? 786 और 110, 786 और 110, 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 110 या अली, वो नशा लगा लो। हाँ और फिर देखो है ताकत। अरे क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद करते हो, क्यों वाय पता नहीं। फरमान निकाला दूसरे को, इसी किताब के अंदर है, मौलाना सरकार सुल्तान मुशा का मुबारक नाम के ऊपर सलवात करो। मोमन मानस एवं काम नहीं करे, मोमन मानस एवं काम नहीं करे के ते दारू पिए, ते तंबाकू पिए, ते तो नहीं पिए, ते तो नहीं पिए, ते जेर होवा थी तेना थी दूर ज रहेशे, तेना थी दुनिया अने आखरत बनने नी अंदर नुकसान थाय छे। खाली दुनिया में नहीं, मत समझना के खाली फिजिकल नुकसान होता है, मौला कहता है कि याद रखो आखरत नी अंदर पण तमने नुकसान थाय छे, आखरत नी अंदर पण। अरे कैसी सिली दलील करते, पता है हाजरी इमाम किदा चोया है के पीनू ना, हाजरी इमाम तो चोया है कि आंजे हेल्थ के नुकसान करे ने ई करे ने अने वधारे पीजे तो नुकसान आए वगैरह वगैरह। ओहो मैं तो कहूं के खुदाया अरे मने जोईने ए हसू आवे छे के तारा बनावेला जे तने बनावे छे, के मने जोईने हसू आवे छे के तारा बनावेला आजे तने बनावे छे। मौलाना शाह करीम हुसैन हाजरी इमाम मुबारक नाम पे सलवात पढ़ो। दो फरमान लाया हूँ, दो फरमान, एक तो न्यूज़पेपर के अंदर आया है, उसकी कॉपी चाहिए तो निकाल लेना, काउंसिल ने ऑफिशियली निकाला है, पाकिस्तान की काउंसिल ने, कराची की काउंसिल ने क्या लिखा है पेपर में, न्यूज़पेपर में डॉन गुजराती लिखेला है कि हुंजा अने चित्राल अने गिलगित ने इस्माइली होए नामदार आगा खान ना फरमान थी छोड़ी दीधेला सिगरेट अने शराब ना व्यसनो, नामदार आगा खान ना फरमान पर चुस्त अमल, नामदार प्रिंस करीम आगा खान ने हिदायत ऊपर थी चित्राल हुंजा अने गिलगित ना एमना मुरीदो ए सिगरेट पीवानू बंद करी दीधु छे, शराब पीवानू छोड़ी दीधु छे अने आ कारणे एमनी सामाजिक हालत मां सुधारो थयो छे। घना इस्माइली वेपारीओ सिगरेट खरीदवानो के वेचाण करवानो पर पोतानी मेड़े मुकी दीधु छे,
ઘણા ઇસ્માઈલી વેપારીઓએ સિગરેટ ખરીદવાનું કે વેપાર કરવાનું પણ પોતાની મેળે જ મૂકી દીધું છે. એ પ્રમાણે સતગુરુ કરે હરે ધર્મ તે સાચો ઈમાન નો અને તે ઈમાની સાચો જાણ. અરે જો ઈમાન લાવશો ફરમાનશો તો દાસ ઈમાનદાર કી નિશાની. એને ફરમાન પે જો તુમને અમલ ક્યાં ને वो तुम्हारी ईमानदारी की निशानी. कोशिश करो, कोशिश करो. मौला ने सुल्तान मुशा ने फरमाया कि शैतान तुमने बहुत हैरान करे ने, बहुत तुमने तकलीफ आपे ने. तो मौला ने सुल्तान मुशा ने फरमाया कि तुम्हें याले नु नाम याद करो, भल्ला तुम्हें बचो, भल्ला प्रैक्टिस करो, भल्ला. मौला कहता है तुम्हें बचो, तुमने बहु शराब पिया माटे तुमने ये करे ने, सिगरेट पिया माटे तुम्हें याले नु नाम नो जिक्र करो. छेले ने मौला ने करीम आज इमाम का फरमान दो. मैंने सभी यहाँ फरमान चेक किए, शायद ये फरमान नहीं है आपकी फाइल के अंदर. હાજરીમાં ફરમાતે હૈ અમોએ દરેક પ્રકારની આદતોનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ, જેમ કે શરાબ તથા તંબાકુનું સેવન કરવું એ પીવું, અને બીજી આદતોથી અમો અમારા રૂહાની બચ્ચાઓને દૂર રહેવાનું અમે ફરમાવીએ છીએ. અભી એક છોટા પેરેગ્રાફ હૈ, બહુત બહેતરીન. મોલા ફરમાતા હૈ કે અમે ફરમાવીએ છીએ કે એ આદતો તંદુરસ્તી ઉપર નુકસાનકારક અસરો ઉપજાવે છે. અગર તમે શરાબ અને તંબાકુનો સેવન વધુ સમય સુધી ચાલુ રાખશો તો તમારા મગજને એવું ભયંકર નુકસાન પહોંચાડશો કે જેમ જેમ તમે મોટા થતા જશો ત્યારે તમારા કુટુંબ તથા તમારા બાળકોની સંભાળ રાખવા માટે તમે બિલકુલ વીક અને અશક્ત થઈ જશો. અમે માનીએ છીએ કે તમારા મગજને આ મુજબ અશક્ત કરવો એ એવા પ્રકારની બેવકૂફી અને મૂર્ખાઈ છે જેમ પોતાનો જમણો હાથ કાપી નાખો. આ બંને મૂર્ખાઈઓ એક સરખી છે. આજે અમે તમને ફરમાવી રહ્યા છીએ કે જ્યારે શરાબનો નશો અને તમાકુના સેવનની બાબતો આવે તો તેનાથી દૂર રહો. એ કારણે નહીં કે ફક્ત કુરાનની અંદર નશારૂપ વસ્તુઓના સેવનની મના છે, પરંતુ આ આદતો તબીબી દ્રષ્ટિએ તંદુરસ્તીને નુકસાન કરતા છે અને તેના પરિણામો ભવિષ્યમાં એવા આવશે કે જે સંભાળી સુધારી ન શકાય. એક વખત અગર તમે તમારા મગજને નુકસાન પહોંચાડ્યું તો કોઈ પણ માનવ દવા દુનિયામાં એવી નથી કે જે તેને ક્યોર કરી શકે, સ્વસ્થ કરી શકે. એથી કરીને દુનિયાભરના અમે રૂહાની બચ્ચાઓને અમે ફરમાવીએ છીએ કે આ નુકસાનકારક આદતોથી તમે બને એટલા તમે દૂર રહો. મેરે કો એ જ પોર્શન ઉસને સુનાયા ના હો કેનેડા વાલે ભાઈ ને, જો કહેતા હૈ મિશ્રી સાહેબ, ઇસ તરહ મેરા દિલ ભર કે આયા. ઓર જબ મેં ઘર પે આયા ને તો મેરી વાઇફ બોલતી હૈ ક્યા હુઆ, તો મેને ઉસને એક્સપ્લેન કિયા કે દેખ યે મેટર હૂં. મૌલાના હાજરી મામ ને મુજે કહા કે મેં તેરી મહેમાની કબૂલ કરતા હું. ઉસકી વાઇફ ભી બહોત રહી, બોલે મેરી વાઇફ इतना उसको खुशी का, इतना उस शुक्राने की तस्वीर निकाली कि मौला तेरा लाख शुक्राना. ये चीज चाहता है मौला दिनदार, स्पिरिचुअली अपलिफ्टमेंट. जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है. मैंने कहा ना हर वायस के अंदर देखो कोई भरोसा नहीं. काची माटी ना घाट करूला फुका न वागे रण क्यों. जब तक हाथ में समय है, टाइम है, अपनी लाइफ को सुधारो. थोड़ा मजहब की तरफ ख्याल रखो, थोड़ा जिंदगी की तरफ ख्याल रखो. तो मौलाना हाजिर इमाम हम जुमरा जमात को सुखी सलामत और आदाद करेगा. या मौला हकीकत की समझ देना, या मौला तेरे तरफ की मोहब्बत देना, या मौला नाफरमानी के काम से बचाना, या मौला जाहिर बातों गुनाहों को माफ करना, या मौला सुबह शाम जमात खाने आने की आला शक्ति हिम्मत और प्रेरणा देना, या खुदा हाजिर इमाम जिससे तू राजी होवे ऐसे नेक काम हमारे से तू हमेशा कराना, या मौला जल्द जाहिर किंसा सा के तेरे जाहिरी और बंदगी में बातों में विदा नसीब करना.